Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। इसके लिए खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है। अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा अमला तक लगा दिया है। खुद अखिलेश यादव भी 29 अगस्त को घोसी का दौरा करने वाले हैं। हालांकि यूपी चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ज्यादातर जिलों में दौरा नहीं किया था। इसमें कई सीटें ऐसी थी जिस पर सपा की जीत हुई, कई सीटें ऐसी भी थी जहां अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार करने के बाद भी उन सीटों पर सपा जीत नहीं पाई थी। 2024 से पहले हो रहे घोसी विधानसभा सीट को जिताने के लिए जितना जोर भाजपा लगा रही है, इससे ज्यादा ताकत समाजवादी पार्टी ने भी झोंकी है। सपा ने शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, आजम खान जैसे बड़े नेताओं समेत 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव अभी हाल ही में घोसी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे और 29 अगस्त को अब अखिलेश यादव भी जनसभा को करने वाले हैं। सपा के 40 नेता घोसी में प्रचार प्रसार करेंगे। जी हां, बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए शिवपाल सिंह यादव, आजम खान समेत 40 नेताओं को बतौर स्टार प्रचारक घोषित किया है। इनमें किरण नंदा, राम गोपाल यादव, अबू आजमी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचार्य राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सलोज, बलराम यादव, नरेश उत्तम, राम गोविंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, हाजी इरफान अंशारी, राम आश्रय विश्वकर्मा, दयाराम पाल, मिठाई लाल भारती जो हैं वो प्रमुख चेहरों में हैं। 354 घोसी विधानसभा उपचुनाव के मैदान में 10 प्रत्याशियों के बीच जो राजमाइश होगी, वैसे तो भाजपा और सपा के अलावा इस उपचुनाव में कोई बड़ी पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है। कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है तो वहीं बसपा ने इस चुनाव से दूरी बनाई है। सपा से सुधाकर सिंह और भाजपा सिंह से दारा सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 8 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। इनमें जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अफरोज आलम, जनता क्रांति पार्टी के प्रत्याशी मुन्नीलाल चौहान, आम जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चौहान, पीस पार्टी के प्रत्याशी सनाउल्लाह, राज्य जन पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौहान और तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शामिल है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनावों से लगातार अखिलेश यादव दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इस चुनाव में वो पूरी ताकत झोंकेंगे और 29 तारीख को अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनावी प्रचार में भी उतरेंगे। बाकी अखिलेश की रणनीति और प्लानिंग को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में।